नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है वो मैं स्पेशली बना रही हूँ मेरे हस्बैंड का, जिनसे अफेयर चल रहा है उनके लिए। मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि देखो, शादीशुदा मर्द है, एक बच्चे का बाप है, जितनी जल्दी हो सके उससे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ स्पॉइल होगी। मेरे हस्बैंड भले तुमको ट्रैप में फंसा करके कुछ भी बातें कह लें कि मेरी पत्नी जो है वो मुझे ट्रैप करके शादी की है या फिर मुझे फंसा के शादी की है, एक एक्सीडेंटल ये विवाह है, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे गवाह हैं जिनकी गवाहियां भी हुई हैं, जो हमें और हमारे हस्बैंड को शादी से पहले से जानते हैं, और साथ में हमारा जो विवाह हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हमारा विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो विवाह होता है, जो हमारे हस्बैंड ने कहा, जैसा कि उसमें कोई हमारे घर वालों की सहभागिता नहीं थी, हमारी घर वालों की सहमति नहीं थी, तो इसमें दो रिपोर्ट्स लगती हैं, एक वर पक्ष की तरफ से, एक वधु पक्ष की तरफ से। मतलब एक हमारे पक्ष की तरफ से रिपोर्ट लगी थी SPCT वाराणसी की, जिसमें लिखा गया था, जो इंक्वायरी की गई थी उसमें ये लिखा गया था कि इनके परिवार वालों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद इनके हस्बैंड की तरफ से भी इंक्वायरी की गई थी, वहाँ पे सियालजोरी थाना में भी रिपोर्ट लगा था, और वहाँ से भी रिपोर्ट बन करके आई थी कि इनके घर वालों को, माता पिता सबको पता है कि विवाह हो रहा है, और इस विवाह से किसी को किसी तरह की असहमति नहीं है। साथ ही फरवरी 2017 में हमको हमारे घर वाले और साथ में हमारे हस्बैंड के घर वाले उपस्थित थे, और यही कावेरी रेस्टोरेंट ऊपर बुक किया गया था, जो रांची में है, और वहीं पर कावेरी कृष्णा था वहीं पे बुक किया गया था, और वहाँ पे हम लोगों की सबकी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे सब लोग शादी की सहमति दिए थे। तो अभी पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए मैडम, आपके बारे में मैंने इंक्वायरी कर ली है, मुझे आपके बारे में जानकारी पता चल गई है। आपका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा अभद्र काम नहीं करूँगी, लेकिन आपको ये समझाऊँगी ज़रूर कि जितनी जल्दी हो सके इस तरह के रिलेशनशिप से आप निकल जाइए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड से आप पैसे ले रही हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन हस्बैंड आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पति लाख कहें कि वो सिंगल हैं, लाख कहें कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरा विवाह वैसे भी कानूनन अपराध है, और दूसरी बात ये समझा दूं कि मैं अपने हस्बैंड को किसी कीमत पर कभी भी तलाक नहीं दूंगी। इसलिए जब तक मैं तलाक नहीं दूंगी आप शादी नहीं कर सकती हैं। मेरा एक बच्चा है, वो एक बच्चे का बाप है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसकी लाइफ से चली जाए। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, अगर मेरे हस्बैंड ने आपको ये बताया है कि शादी के बाहर के संबंध जो होते हैं वो आपराधिक नहीं होते हैं, तो आपको ये बता दूं कि अगर मैं चाहूं तो आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकती हूं। आप शादी के बाहर के संबंध भी जो होते हैं ना, वो आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं। शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है और आपको भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप समाज में बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाएं, और आपको वो बेइज्जती उठानी पड़े मैडम कि ना आप कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएंगी और ना कहीं आपकी शादी हो पाएगी। और इस तरह के रिलेशनशिप में, जिस तरह के रिलेशनशिप में आप मेरे हस्बैंड के साथ हैं, तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप अपना जीवन सिर्फ बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि वो आपसे कभी शादी नहीं करेगा। इस बात को मुझसे लिखित ले लीजिए। और अगर आपसे कर भी लेता है लुक छुपा के शादी, तो वो आपको समाज में कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है। इस बात को आप रिटर्न ले लीजिए हमसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाख कहें कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, लेकिन मैं ही उनकी पत्नी हूँ और विकी ही उनका बेटा है, और यही सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगी उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, मेरे हस्बैंड की गलती है कि नहीं है ये तो चलिए, गलती तो है ही, कानून जानने के बाद भी वो आपसे अवैध संबंध रखे हैं तो गलत है, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप रखेंगी तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगी, ठीक है, और जो बनने का आप सोच रही हैं वो बन भी नहीं पाएंगी, बीच में ही आप बहुत बुरी तरह बेइज्जत हो जाएंगी। इसलिए अगर इस तरह की बेइज्जती से आप बचना चाहती हैं, तो आपको आगाह कर रही हूँ कि आप मेरे पति से, मेरे हस्बैंड से दूर हो जाइए। जितनी जल्दी दूर हो जाएंगी उतना बढ़िया रहेगा। तो यही मुझे बात आपको बतानी थी, हमने आपको बता दी। आप सिर्फ और सिर्फ रखेल बन के रह जाएंगी, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए,
हम अपने हस्बैंड को किसी कीमत पर तलाक नहीं देंगे, हम उनकी लीगल पत्नी हैं और हम ही उनकी लीगल पत्नी रहेंगे, और हमारे हस्बैंड ने जिस तरीके से हमें बदनाम किया है उस बदनामी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पति हैं और वो हमारी बदनामी नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी स्वयं की बदनामी कही है की है। उनके ये कह देने से कि वो सिंगल है, वो सिंगल नहीं हो जाएंगे। उनके ये कह देने से कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं उनकी पत्नी नहीं रहूँगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं उनकी वाइफ हूँ, कानूनन पत्नी हूँ, और कानूनन पत्नी ही रियल पत्नी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारे हस्बैंड अगर गलत रास्ते पे चले गए हैं तो उनको सही रास्ते पर आना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। और मैडम, आपसे विनम्र निवेदन करूँगी, नहीं तो आप पर इतने मुकदमे लगेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगी, और जो आपकी समाज में बेइज्जती होगी ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि हम वो लड़की नहीं हैं जो हमारे पति हमको झूठा बदनाम कर देंगे तो हम फांसी लटक के सुसाइड कर लेंगे, ऐसा हम कतई नहीं करेंगे। इस बात को भूल जाइए, और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एक औरत होने के नाते मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि इस तरह के रिलेशनशिप से निकल जाइए। इस तरह का रिलेशनशिप आपका भविष्य नहीं बनाएगा, उल्टा आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। क्योंकि जब तक हम उसकी पत्नी हैं और जब तक हम उसको डाइवोर्स नहीं देंगे, आप उसकी पत्नी नहीं बन सकती। शादी कर भी लेंगी तो रखेल कहलाएंगी। इससे बेहतर है कि आप अपना रास्ता अलग कीजिए, और जहाँ चाहती हैं जितना लूट सकती थी लूट ली, और लूटना चाहती हैं मेरे हस्बैंड से ले लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन दूर हो जाइए उससे। उसके साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। एक बच्चे का बाप है और उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है, वो लाख मेंटल टेंशन दे दे मुझे, मैं कोई सुसाइड नहीं करूँगी। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर जो मुझे मतलब मुझे आपके बारे में पूर्ण जानकारी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि हमने पीछे नहीं लगाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पल पल की जानकारी हम रखते हैं, पल पल की। अब आप समझ सकती हैं कि हम कितना पल पल की जानकारी रखे होंगे। तो हम ऐसी पत्नी नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ढंग से आपको बेइज्जत करेंगे और कहीं कि नहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएंगी, और आप पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। इसलिए शादी के बाहर के अगर इस तरह के संबंध है तो पत्नी उस औरत पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कानून पता नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आपको पढ़ा देंगे। चलिए, खैर, शुक्रिया, आपको जितना हमें समझाना था हमने आपको समझा दिया। ध्यान रखिए, फिर से समझा रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे हस्बैंड आपको लाख किसी भी तरह की बातें कहें, उनकी बात पर यकीन मत करिए, अपना भविष्य बनाइए। आपकी शादी उनसे असंभव है, नहीं हो सकती जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं तलाक नहीं देती हूँ। गौर करिएगा, मैं कभी भी अपने पति को तलाक नहीं दूंगी, ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं आप बा जाती हैं अपनी हरकतों से, तो आपको सरेआम आपकी इज्जत नीलाम हो जाएगी फिर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम वाइफ हैं, आप रखेल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इम्पॉर्टेंट जो वीडियो था वो उस रखेल के लिए था, तो वो देख सकती हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए जितना समझना है। आपको एक औरत होने के नाते ही मैंने समझा दिया है कि अपना फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए, समय और फ्यूचर दोनों आप अपना बर्बाद करिए। कुछ भी कर लीजिए, मेरे हस्बैंड से आपका विवाह कभी भी लीगल नहीं होगा। वो लाख हो जाओ, मेरे हस्बैंड लाख कह दें कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं ही पत्नी रहूँगी, और तलाक नहीं दे रही हूँ। शुक्रिया।